हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। पाव भाजी एक बहुत ही फेमस मुंबई स्ट्रीट फूड है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, तो आज मैं उसकी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने एक कुकर लिया है, अब हम उसमें ये कटे हुए आलू डालेंगे। और चॉप्ड गाजर, कटे हुए गाजर, कटे हुए टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च, कैप्सिकम और पीस हरे चने। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालकर सीटी के लिए रखेंगे, 5 सीटी देने होंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, पानी 5 से 6 सीटी के हिसाब से हमें पानी ऐड करना होगा। अब हम इसे सीटी के लिए रख देते हैं। मैंने कुकर खोल लिया है, अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से घोट देते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और थोड़ा सा बटर डालेंगे और अब इसमें ये चॉप्ड ऑनियंस को डाल देते हैं, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये ऑनियन थोड़ी सी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये सारा जो हमने गलाया था उसे मैश कर लिया था वो हम इसमें डाल के अच्छे से, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी जैसी भी चाहिए उस हिसाब से हमें इसमें पानी ऐड करना होगा। हम इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, इसको हम 1 to 2 मिनट्स के लिए हाफ लो फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देते हैं, लेमन जूस, और इसे और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम 1 to 2 मिनट पका के बंद कर देंगे। अब मैंने एक तवा लिया है,
उस पे मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी। और ये पाव को हम इस पे थोड़ा सेक लेते हैं। हमें इसे दोनों साइडों से सेकना है, इसे टर्न करके भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये देखिए हमारी पाव भाजी रेडी हो चुकी है। हम इसे ऐसे खा सकते हैं, बन के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।